नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दो हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन करीब 6 दौर की बातचीत के बाद भी किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बनी। वहीं सरकार के लिए सिरदर्द बना यह आंदोलन अब और बढ़ता जा रहा है। इस आंदोलन के बीच कुछ किसान नेता सरकार के सामने अपनी मांगों को पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ रखते नजर आए। साथ ही सरकार के सामने इन किसान नेताओं ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस किसान आंदोलन में भी ऐसे ही कुछ चेहरे हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। आइए आपको ऐसे ही 5 चेहरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं डॉक्टर दर्शन पाल। क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े दर्शन पाल पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन अब किसानी खेती के साथ साथ किसानों की हक की आवाज उठाने का काम भी वो करते हैं। माना जाता है कि क्रांतिकारी संगठन वामपंथी विचारधारा से जुड़ा है। भले ही इस आंदोलन में पटियाला के रहने वाले दर्शन पाल मीडिया के सामने एक्टिव नजर आते हों, लेकिन पंजाब में इनके संगठन की पकड़ बाकी किसान संगठन के मुकाबले थोड़ी कम है। दर्शन पाल मीडिया में पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में अपनी बात रखते हैं, साथ ही उन्हें किसानों के मुद्दों की अच्छी समझ है। दूसरे नंबर पर हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें 13 संगठन के किसानों को जाना था, लेकिन इस बैठक में किसानों के जन नेता और भारत में किसान आंदोलन के बड़े चेहरे जोगिंदर सिंह उग्राहा नहीं गए, क्योंकि उन्हें इस बैठक के लिए बुलाया नहीं था। 75 साल के जोगिंदर पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष हैं। जोगिंदर सिंह भारतीय सेना में भी रह चुके हैं। नौकरी छोड़ने के बाद जोगिंदर अपने गाँव चले गए और वहाँ खेती करने लगे। जोगिंदर एक किसान हैं, एक छोटे किसान हैं, उनके पास 5 एकड़ की ही जमीन है। तीसरे नंबर पर हैं सरवन सिंह पंधेर। बीबीसी के मुताबिक सरवन सिंह पंधेर पंजाब के माझा क्षेत्र के एक प्रमुख युवा किसान नेता हैं। 3 नए कृषि कानूनों के पास होने के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन करने का फैसला किया था। वो युवा किसान हैं और इस आंदोलन में अहम रोल निभा रहे हैं। चौथे नंबर पर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी बुलाया था। 62 साल के जगजीत सिंह पंजाब के फरीदकोट जिले के डल्लेवाल गांव से हैं। माना जाता है कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बाद जगजीत सिंह का संगठन पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 5वें नंबर पर हैं राकेश टिकैत। किसानों के सबसे बड़े नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस आंदोलन में वो उन दावों को भी झुठला रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही आंदोलन में शामिल है, क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं। गृह मंत्री ने किसान संगठनों को मिलने बुलाया था, तब राकेश टिकैत को भी बुलाया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।